安天库里和亚和本滴答的红嘎和大黑不好其他 party film China 没不好 lock 别黑等个 China 没 box office party 谁比较大黑而 secret superstar or Batman 不是人家拍一张 man 都 Hindi 学习完了 Jenny 老弟红 Jenny 老公哥阿斯利 party 给 party 没讲咖喱不打的红 man China 给 media 没干过的红 party 啥 party 加的的 or man Hindi 苏塔尔干的给你一年给你 Jenny 没 Hindi 学习的आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा हमारे जैसे लोग एक हम एक दूसरे से संबंध यह बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। मेरा नाम मीरा यह मेरा हिंदी नाम है और जिनी नाम चूजिंग जी लेकिन आम ज्यादातर भारतीय लोग मेरा जिनी नाम याद नहीं कर सकते हैं इसलिए ज्यादातर मैं तो भारतीय दोस्तों को समझाते हैं कि मेरा हिंदी नाम मीरा है क्या करती हैं आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हाँ तो वास्तव में मैं चाइना के मीडिया में काम करती हूँ चाइना मीडिया ग्रुप और हमारे ग्रुप में कुल 80 अलग अलग भाषाओं से कार्यक्रम बनाते हैं मैं तो हिंदी सेवा में काम करती हूँ इसलिए मैं हिंदी में कार्यक्रम बनाती हूँ आज हम लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में आए हैं तो सबसे पहले थोड़ा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बताइए इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए हाँ ठीक है जो सभी विदेशी लोग जो चाइना में पहली बार चाइना में आए तो जरूर The Great Wall of China, यानी लंबी दीवार जाना चाहते हैं और आज हमारे यहाँ मौजूद है यह बेजिंग का एक हिस्सा है क्योंकि ये लंबी दीवार न केवल बेजिंग में मिलते हैं ये कुल मिलाकर लगभग 6000 से ज्यादा किलोमीटर दूर है और बेजिंग में यहाँ इस जगह का नाम सिर्फ चुयोंग पास ये लंबी दीवार का एक पास है सिर्फ और अभी आप देख सकते हैं यहाँ कितना लंबा है लेकिन आज का मौसम इतना अच्छा नहीं है अगर अच्छा मौसम में तो आप दूर दूर में साफ साफ से देख सकते हैं एक बहुत शानदार जगह है लेकिन बहुत थक लगते हैं शायद और ऊपर में आप देख सकते हैं एक अलग अलग टावर है ये तो प्राचीन समय में ये तो दुश्मन रोकने के लिए ये लंबी दीवार बनाई जाती है और ये टावर पर एक होर है तो आप हथियार इधर रख सकते हैं और ये दीवार ये दुश्मन के हथियार रोक कर सकते हैं और आप दुश्मन को मार कर सकते हैं ये प्राचीन समय में ये फंक्शन है लेकिन आज के मौसम में और आज ये सिर्फ एक पर्यटन साइट बन गया है और इंडिया आप पहले कभी आई हैं हाँ मैं इससे पहले हर साल भारत जाती थी और मैं हिंदी सुधार करने के लिए एक साल के लिए जेएनयू में हिंदी सीखी थी तो अभी लास्ट आप भारत कब गई थी पिछले साल G20 से पहले तो अभी अब आप अगली कब प्लान कर रही हैं भारत आने प्लान तो है अगले साल जाऊंगी क्योंकि अगले साल चीन और भारत के राजनीतिक संबंध की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है इसलिए मेरी योजना है कि चीन और भारत के संस्कृति के बारे में कुछ कार्यक्रम बनाना की योजना है लेकिन देखते हैं मैं वीजा मिलूंगी या नहीं मैं तो हिंदी सीखने वाली जीनी लड़की हूँ और चाइना में बहुत ज्यादा मेरी जैसी स्टूडेंट है वे भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है और भारत में भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट युवा लोग चीनी भाषा भी सीख रहे हैं चाइनीज संस्कृति भी रुचि है इसलिए मुझे आशा है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा हमारे जैसे लोग हम एक दूसरे से संबंध यह बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हम तो पड़ोसी देश है और हम दोनों एशिया के सबसे महादेश है और पूरी दुनिया में अगर हम हाथ मिलाकर एक साथ सहयोग कर सकते हैं और जरूर पूरी दुनिया के लिए हमारे योगदान दे सकते हैं हालांकि हमारे दोनों देशों के बीच कुछ ऐतिहासिक समस्या है लेकिन आम लोगों के बीच कोई समस्या नहीं है जैसे आप भी चाइना आ गए हैं आप देख सकते हैं सभी चीनी लोग आपसे भी फ्रेंडली है इससे पहले मैं सोचती हूँ थी कि भारतीय लोग शायद चीनी लोगों से नफरत करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है मैं कई बार भारत गई थी सभी भारतीय लोग मेरे लिए भी बहुत अच्छा मदद की थी और मेरे लिए बहुत फ्रेंडली है इसलिए मेरे ख्याल से मीडिया के बीच बहुत ज्यादा गलत फहमियां हैं इसलिए मैं भी अपनी कोशिश से ज्यादा भारतीय लोगों को असली चीन के बारे में जानकारी बताती हूं और मुझे मेरी कोशिश से ज्यादा मेरे पास चीनी लोगों को असली भारत के बारे में जानकारी बताती हूं वर्ष 2019 से पहले बहुत ज्यादा भारतीय फिल्म चाइना में बहुत लोकप्रिय है जैसे दंगल चाइना में बॉक्स ऑफिस भारत से भी ज्यादा है और सीक्रेट सुपरस्टार और बैटमैन बजरंगी भाईजान बहुत ज्यादा भारतीय फिल्म चाइना में बहुत लोकप्रिय है और ये संगीत जैसे ये आंखें खुली ये चाइना में बहुत पॉपुलर है चाहे बूढ़े लोग हो या युवा लोग सब लोग सुनते हैं और बहुत पसंद है थोड़ा गायब के सुनाएंगे हमें आंखें खुली आंखें खुली हो या हो बन दीदार हूंगा होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है
और जैसे आमिर खान, शाहरुख खान बहुत चाइना में बहुत लोकप्रिय है, सब लोग जानते हैं।